नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी चरेगड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम को लेकर के अपडेट काफी सारी निकल करके आई हैं, जो कि यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक एक करके पहले सभी स्क्रीनशॉट की बात करेंगे, फिर हम आपको ऑडियो भी सुनाएंगे जहां पर आपको बाकी अपडेट भी क्लियर होंगी। तो सबसे पहला यहाँ पर कि टीआरई 3 परीक्षा रिजल्ट में अब और देरी देखने को मिलेगी। अब आपके मन में यही आएगा तारीख पे तारीख वाला डायलॉग। तो टीआरई 3 परीक्षा रिजल्ट में होगी और देरी, 8 सितंबर से पहले अब रिजल्ट संभव की बात यहां पर की जा रही है। पहले ये रिजल्ट की बात हो रही थी इसी महीने के अंत तक, यानी 31 अगस्त तक बात हो रही थी, परंतु अभी जो अपडेट निकल करके आई है यहां पर अब जो अंतिम तिथि है रिजल्ट को लेकर के वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बात करेंगे तो 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से ये देरी हो रही है। तो मेन जो कारण है वो रोस्टर को यहाँ पर दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक कारण जो माननीय कोर्ट का ऑर्डर आया था संभवतः उसको लेकर के भी देरी की वजह जो है वो लगातार बताई जा रही है कि जब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक इसी प्रकार रिजल्ट आगे लटकता रहेगा, ये भी एक संभावना जताई जा रही थी। आगे बात करें तो जिलों से विभाग ने मांगा है क्लियरेंस, और क्लियरेंस GAD को भेजा जाएगा और TRE3 में कोई भी सीट भी नहीं जोड़ी जाएगी। पहले बात हो रही थी जोड़ने को लेकर के, पर यहाँ पर अब बात निकल करके आ रही है कि TRE3 में कोई सीट नहीं जोड़ी जाएगी। अभी कुल 87,774 टोटल वैकेंसी हैं और इतने ही टोटल पदों पर ये जो नियुक्ति है वो आपका होनी है। 50% आरक्षण के आधार पर ये रिजल्ट होगा, जो कि पहले क्लियर कर दिया गया था, और 1-5, 6-8 का आंसर की तैयार भी हो चुका है। बाकी जो आंसर की है वो अभी बाकी रह गई, जिसमें 9 से 10, 11 से 12 में 3 दिन के वक्त को लगने को लेकर के बात यहाँ पर की जा रही, क्योंकि अलग अलग विषयों की निकालनी होती है, इसीलिए इतना ज़्यादा इसमें समय जो है वो लग रहा है। तो 3 दिन का समय, तारीख आपकी 21 अगस्त आज, और आगे आने वाले 25 अगस्त तक यहाँ पर बात हो रही है कि एक साथ आंसर की जारी हो जाएगी। तो आंसर की जो तिथि है उसमें तो बदलाव देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो इससे पहले की भी अपडेट चल रही थी उसमें आंसर की 25 अगस्त तक ही बात हो रही थी। अब हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं जिससे आपको बाकी चीज़ें भी जो है वो क्लियर हों, और ये ऑडियो न्यूज़ 18 संवाददाता जो है रजनीश जी उनका है, उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें क्लियर की, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, खबर सामने आ रही है कि रिजल्ट अभी और देरी से आने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए लक्ष्मी, बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि 31 अगस्त तक हर साल में हम रिजल्ट जारी कर दें TRE3 का, क्योंकि 6 लाख जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, वो इंतजार कर रहे थे कि वो शिक्षक बनेंगे। लेकिन चूंकि आरक्षण रोस्टर है उसकी मांग की जा रही है, और आरक्षण रोस्टर इसलिए मांग की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है, और ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से जो नए आरक्षण रोस्टर है उससे मांगा है, और विषयवार रिक्तिवार जो है वो आरक्षण रोस्टर आने के बाद शिक्षा विभाग GAD को भेजेगा, और GAD के माध्यम से बीपीएससी को प्राप्त होगा, तब जाकर जो है उसके आधार पर रिजल्ट जारी होगा। इस बीच जो आंसर की जारी करने की मांग की जा रही है, तो आंसर की 1-5 और 6-8 का तैयार हो चुका है, लेकिन 9, 10 और 11, 12 का आंसर की अभी तैयार नहीं हुआ है, जो कि कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। 25 तारीख से 1 से लेकर जो है 12 तक के तमाम जो अभ्यर्थी है उनका आंसर की एक साथ जारी होने रहेगा। दूसरी बात, जो OMR का रिस्पॉन्स शीट था जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी उसमें भी एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जा रहा है, और रिस्पॉन्स शीट भी 25 अगस्त तक जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहें कि 8 सितंबर तक अब टारगेट रखा गया है कि अब TRE3 का रिजल्ट हम जारी कर दें। हालांकि सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको फायदा मिलने वाला है, उनके कट ऑफ में अब गिरावट होगी, क्योंकि जो आरक्षण का जो रोस्टर है जो बदलाव हुआ है उसके आधार पर रिजल्ट जारी होगा। SC ST OBC के जो कट ऑफ है उसमें अब बहुत बदलाव नहीं हो सकता है, पुराने आधार पर ही होगा, उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो सामान्य श्रेणी वाले हैं जिनको एक तरह से पहले ये घाटा था कि अब उनके कट ऑफ हाई जाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, तो अब उनके लिए फायदा है, उनका कट ऑफ कम आ जाएगा और उसके साथ साथ उनकी प्रतिशत जो है बढ़ जाएगी रिजल्ट की। और कुल मिलाकर ये कहें कि 8 सितंबर से पहले ये जारी करने की पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है। जी रजनीश, जरा ये भी बताइएगा कि TRE3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीट ऐड नहीं होगी, इसे जरा डिटेल में बताइए। देखिए, अभी जिस प्रकार से आरक्षण रोस्टर मांगा गया है जिलों से, तो अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि जो आरक्षण रोस्टर है अगर रिक्तियां मांगी गई है इसका मतलब है जो 87,700 से ज्यादा जो पद है उसमें जो है नई रिक्तियां फिर से जुड़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था अभ्यर्थियों को, हम जानकारी दे दें कि किसी भी नए सीट को अब उसमें ऐड नहीं किया जाए, फुल वैकेंसी है, उसके नंबर पे कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो श्रेणीवार है, जो कोटीवार है, कैटेगरी है,
उसमें बदलाव होगा, कैटेगरी वार सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है और उसके आधार पर जो रिजल्ट है उसमें एससी एसटी ओबीसी या सामान्य उसके रिजल्ट में परिवर्तन होगा और सामान्य श्रेणी को इससे फायदा मिलने वाला है। यानी कि ये जो आरक्षण का 50% आरक्षण इसमें लागू होगा तो इससे सामान्य श्रेणी की जो अभ्यर्थी होंगे उनके कट ऑफ में गिरावट दर्ज की जाएगी। देखिए पहले से भी 50% ही आरक्षण का जो रोस्टर था उसका पालन किया जा रहा था TRE 1-2 में, और इसमें जातीय गणना के बाद जो है ये मामला हाईकोर्ट तक गया था और हाईकोर्ट ने जो है एक तरह से राज्य सरकार के जो मतलब याचिका है उसको खारिज कर दिया था, और हाईकोर्ट ने खारिज किया तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को एक तरह से फैसले को सही ठहरा दिया था, जिसके बाद माना यह जा रहा था 65% आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिजल्ट जारी होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये आरक्षण का रोस्टर अब बदल गया है 50% और जो EWS का 10% है उसी के आधार पर पुराने नियमों के तहत जो रिजल्ट है वो जारी किए जाएंगे, जिसमें कुल मिलाकर ये कहें कि समय जरूर लग रहा है लेकिन आरक्षण रोस्टर बदलने के बाद जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो सामान्य श्रेणी को उसमें फायदा मिलेगा, एससी एसटी ओबीसी को जो TRE 1-2 में हुआ था उसी के आधार पर उनका रिजल्ट जारी होगा। तो ये पूरा आपने ऑडियो समझा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक के साथ साथ शेयर सभी तक अवश्य कर दीजिएगा ताकि और बाकी लोग अपडेट रहे, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।